एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें केली को दिखाया जाता है जो अकेले बैठे हुए बोर हो रही होती है। लुशिया ने उसे काम करने से मना किया होता है, इसलिए वो अकेले बैठे हुए बोर हो रही होती है। तभी वहाँ पर लुशिया आता है और वो उससे कहता है कि क्या तुम बोर हो रही हो। तो केली कहती है कि हाँ। तो लुशिया कहता है कि इसीलिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ। और यहाँ पर वो दोनों बैठ कर टीवी देखने लगते हैं और केली लुशिया से कहती है कि तुम एकदम परफेक्ट बॉयफ्रेंड हो। और फिर वो उसके गाल पर किस करती है और यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के साथ हैप्पी टाइम स्पेंड करने लगते हैं। और थोड़ी देर बाद टीवी देखते हुए केली की आंख लग जाती है और जब वो आंख खोलती है तब लुशिया वहाँ पर नहीं होता और उसे अच्छे खाने की खुशबू आ रही होती है। तो वो किचन में जाती है जहाँ पर लुशिया ने उसके लिए खाना बना कर रखा होता है और वो उसे कहता है कि तुम्हारे लिए आज मैंने स्पेशल डिश बनाई है। और वो उसे दिखाता है कि उसने उसके लिए फ़िश बनाई है। तो केली उससे कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे ये फ़िश पसंद है। तो लुशिया कहता है कि मुझे शुनिन ने बताया और शुनिन को शायद गौन ने बताया होगा। और फिर वो उसे कहता है कि चखो तो सही कैसी बनी है। और फिर केली फिश को टेस्ट करती है और उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है और वो उसे कहती है कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी है। और दोनों ही साथ में बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर तीनों लोग बॉयज़ आ जाते हैं और सभी लोग साथ में बैठकर डिनर करते हैं। और यहाँ लुशिया केली को अपने हाथ से खिला रहा होता है। उन दोनों को देख कर शूली भी लू को खिलाने लगता है और यहाँ दोनों ही उन लोगों की नकल उतारने लगते हैं। और यहाँ सभी लोग एक दूसरे के साथ मजाक मस्ती करते हैं और एक दूसरे के साथ हैप्पी टाइम स्पेंड करते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद केली अपने घर जाने के लिए निकलती है और रास्ते में बारिश शुरू हो जाती है, इसलिए वो एक जगह पर जाकर खड़ी हो जाती है। तभी वहाँ पर लुशिया आता है और वो केली को अपना जैकेट देता है। तो केली कहती है कि तुम यहाँ पर अभी क्या कर रहे हो। तो लुशिया उसे कहता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को उसके घर तक छोड़ने के लिए आया हूँ। ये सुनकर केली स्माइल करने लगती है और लुशिया उसे कहता है कि चलो चलते हैं। तो केली कहती है कि रुको, पहले तुम मास्क पहन लो। और फिर वो उसे मास्क पहनाती है और फिर दोनों ही एक ही जैकेट ओढ़कर जाते हैं केली के घर। और ये सीन बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक होता है। और फिर केली को घर छोड़ने के बाद लुशिया उसे कहता है कि वो यहाँ से जा रहा है। तो केली कहती है कि क्या तुम मेरे घर में नहीं आओगे। तो लुशिया कहता है कि क्यों, तुम्हें क्या काम है। तो केली कहती है कि तुम्हारे कपड़े भीग गए हैं इसलिए मैं तुम्हें कह रही हूँ, अंदर आओ मैं तुम्हें टी भी बना कर देती हूँ। और फिर लुशिया केली के घर में जाता है और वो बैठता है। तभी केली उसके लिए चाय लेकर आती है और लुशिया उसके हाथ की चाय चखता है और उसे कहता है कि मैंने ये पहली बार पी है। तो केली उसे कहती है कि तुम्हारी बनाई गई फ़िश से ये ज़्यादा अच्छी नहीं है। और फिर वो उसे कहती है कि थैंक यू जो भी तुमने मेरे लिए किया। तो लुशिया केली का हाथ पकड़ता है और उसे कहता है कि मैंने ये पहली बार डेटिंग की है और मुझे इसमें कुछ ज़्यादा पता नहीं कि अपनी गर्लफ्रेंड को कैसे ट्रीट करते हैं, पर मैंने कभी कभार मूवी में देखा है, पर मैं ट्राई करूँगा कि मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँ। ये सुनकर केली स्माइल करने लगती है। और फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किसी आदमी ने प्रेजिडेंट शू को गॉन और शुनिन की फ़ोटो भेज दी होती है, पर फोटो के अंदर शुनिन का फेस नहीं दिख रहा होता है। पर प्रेजिडेंट शू की असिस्टेंट शुनिन को पहचान लेती है और वो कहती है कि ये हुडी तो मैंने शुनिन के कबर्ट में देखी थी जब मैं उसके कबर्ट में नए कपड़े रखने के लिए गई थी। और ये सुनकर प्रेजिडेंट शू को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत जाते हैं उन लोगों से मिलने के लिए। और दूसरी तरफ लुशिया और केली बैठ कर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और यहाँ केली लुशिया को ही देखे जा रही होती है और वो उससे कहती है कि मुझे ये एक ड्रीम जैसे लग रहा है, जैसे मैं तुम्हारे साथ नाश्ता कर रही हूँ। तो लुशिया उसे कहता है कि अब इसकी आदत डाल लो क्योंकि ये अब से रोज होगा। और फिर केली भी नाश्ता करने लगती है, तभी उसके होठों पर मिल्क लग जाता है। तो फिर लुशिया उठकर उसके पास जाता है और मिल्क को पोछने की जगह वो उसे किस कर लेता है। और यहाँ केली स्माइल करने लगती है और वो भी उसे किस करती है। और यहाँ उनका रोमांस चल ही रहा होता है, तभी वहाँ पर शुनिन आ जाता है और शुनिन को देख कर लुशिया केली के पास से हट जाता है और केली भी जल्दी से खड़ी हो जाती है। और शुनिन लुशिया उसे कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम लोगों को डिस्टर्ब किया, पर प्रेजिडेंट शू ने हमें बुलाया है। और फिर वो लोग जाते हैं प्रेजिडेंट शू के पास जहाँ पर प्रेजिडेंट शू केली और लुशिया उसे कहते हैं कि तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। और यहाँ पर केली और लुशिया वहाँ से चले जाते हैं और शुनिन वहीं पर खड़ा रहता है। और यहाँ प्रेजिडेंट शू उसके असिस्टेंट से कहते हैं कि जाओ जाकर शुनिन का रूम चेक करो। और फिर प्रेजिडेंट शू की असिस्टेंट शुनिन के रूम में जाती है और उसका रूम चेक करने लगती है और लुशिया केली दूर से ये सब कुछ देख रहे होते हैं। और यहाँ प्रेजिडेंट शू की असिस्टेंट को शुनिन के कबर्ट में से उसका फ़ोन मिल जाता है जो गॉन ने उसे दिया था। और वो फ़ोन लेकर सीधी जाती है प्रेजिडेंट शू के पास। ये देखकर प्रेजिडेंट शू शुनिन से सवाल करने लगते हैं कि ये उसके पास कहाँ से आया, पर शुनिन कोई भी जवाब नहीं देता, जिसकी वजह से प्रेजिडेंट शू को गुस्सा आ जाता है। और फिर वो उसे लेकर उनके रूम में जाते हैं और वहां जाकर वो उसे चेयर से बांध देते हैं और उससे सवाल करने लगते हैं, पर फिर भी शुनिन कोई भी जवाब नहीं देता। तो फिर प्रेजिडेंट शू उससे कहते हैं कि तुम्हारी आंखों में मुझे दिख रहा है कि तुम मेरे खिलाफ़ बगावत करना चाहते हो।
तो शुनिन उनसे कहता है कि आपने हमारा बहुत ही बुरी तरीके से इस्तेमाल किया है। तो ये सुनकर प्रेजेंट शू से कहते हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे बेटे के मुंह से मैं ये सुनूंगा। तो शुनिन ये सुनकर शॉक हो जाता है और वो उनसे कहता है कि मैं आपका बेटा नहीं हो सकता, अगर मैं आपका बेटा हूँ तो आप मुझे ऐसे क्यों ट्रीट कर रहे हैं। तभी वहाँ पर ग्रैनी आ जाती है और वो शुनिन से कहती है कि ये सच कह रहा है, ये तुम्हारा पाप है। और फिर वो प्रेजेंट शू को डांटने लगती है कि उसने शुनिन को इस तरह बांध के क्यों रखा है, और वो उसे खोलने की कोशिश करती है। तभी प्रेजेंट शू की असिस्टेंट ग्रैनी को रोकने लगती है, तो ग्रैनी उसे खरी खोटी सुना देती है और उससे दूर हटने के लिए कहती है। और यहाँ पर प्रेजेंट शू की असिस्टेंट का तो सीन हो जाता है। तो शुनिन ग्रैनी से कहता है कि अगर ये मेरे डैड है तो मेरी माँ कहाँ पर है। तो ग्रैंड माँ उसे सारी स्टोरी बताती है कि उसके मॉम डैड कैसे मिले। और यहाँ कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर प्रेजेंट शू एक रेस्टोरेंट में आए होते हैं और वहाँ पर शुनिन की मॉम एक वेट्रेस होती है, और वहाँ पहली नज़र में उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। और यहाँ पर प्रेजेंट शू उसे डिनर के लिए इनवाइट करते हैं उसी रेस्टोरेंट में। और नेक्स्ट डे शुनिन की मॉम तैयार होकर रेस्टोरेंट में आती है, पर वहाँ पर वो देखती है कि प्रेजेंट शू की सीट खाली है। ये देखकर वो सैड हो जाती है। तभी वहाँ पर उसका मैनेजर आ जाता है और वो सबके सामने शुनिन की मॉम को डांटने लगता है और कहता है कि तुम अपनी जॉब टाइम पर ये ऐसे कपड़े पहनकर क्यों आई हो। और तभी वहाँ पर प्रेजेंट शू आ जाते हैं और वो मैनेजर से कहते हैं कि अब से ये यहाँ पर काम नहीं करेगी, और वो शुनिन की मॉम को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। और फिर ग्रैंडमा शुनिन से कहती है कि तुम्हारी मॉम इतनी ब्यूटीफुल थी इसलिए उनको मॉडलिंग में मौका मिल गया और उन्हें बहुत सारे ड्रामा को करने का मौका मिला, और वो देखते ही देखते एक स्टार बन गई। और फिर एक दिन उनका इंटरव्यू था और वहाँ पर न्यूज़ रिपोर्टर ने तुम्हारी मॉम से पूछा कि क्या वो किसी को पसंद करती है। तो शुनिन की मॉम सभी न्यूज़ रिपोर्टर से कहती है कि हाँ वो किसी को पसंद करती है, और वो ये सब कुछ प्रेजेंट शू की तरफ देखकर बोल रही होती है, पर प्रेजेंट शू को ये सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तो न्यूज़ रिपोर्टर उससे पूछने लगते हैं कि वो कौन है, पर शुनिन की मॉम कहती है कि वो वक्त आने पर सबको सब कुछ बताएगी। और वो इससे आके कुछ बोले उससे पहले ही प्रेजेंट शू बीच में आ जाते हैं और वो इंटरव्यू ख़त्म करने के लिए कहते हैं और शुनिन की मॉम को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। और फिर वो दोनों साथ में बैठकर इसी चीज़ पर बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर शुनिन की मॉम कहती है कि वो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती है इसलिए अब उनको शादी कर लेनी चाहिए और वो सबको बता देगी कि वो उनसे प्यार करती है। तो प्रेजेंट शू उसे कहते हैं कि तुम्हारी फील्ड इस तरह की है जहाँ पर ये सब कुछ बात बाहर आते ही सबकी नज़रों में से शायद तुम गिर भी सकती हो, शायद इस वजह से तुम्हें कोई पसंद भी ना करे। पर शुनिन की मॉम कहती है कि मुझे इन सारी चीज़ों की कोई परवाह नहीं है। पर प्रेजेंट शू तो इसके खिलाफ होते हैं क्योंकि उन्हें तो सिर्फ पैसे कमाने थे और वो शुनिन की मॉम के जरिए पैसे कमा रहे थे। और फिर वो शुनिन की मॉम के पास बैठते हैं और उसे प्यार से समझाते हैं और कहते हैं कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहता और मैं अभी इस बात को लेकर सीरियस भी नहीं हूँ। तो ये सुनकर शुनिन की मॉम उससे कहती है कि मेरे पेट में बच्चा पल रहा है, मुझे प्रेग्नेंट हुए 3 महीने हो गए हैं। ये सुनकर प्रेजेंट शू अचानक से खड़े हो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि ये सब कुछ बात तुम्हें मुझे पहले बतानी चाहिए थी कि बस अब 1 वीक ही रह गया है तुम्हारे अबॉर्शन के लिए, अब तुम अबॉर्शन करने के लिए रेडी हो जाओ। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।